हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में सूचना प्रौद्योगिकी को अध्याय को प्रारंभ किया था और हमने देखा था कंप्यूटर की विशेषताएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम इसी अध्याय आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर की भाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर की भाषा। अच्छा, ये बताइए, जिस भाषा को हम नहीं जानते क्या उसके बारे में हम बोल या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। उसी प्रकार कंप्यूटर को पढ़ने और समझने के लिए उसके लिए एक विशेष भाषा बनाई जाती है, जो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा और जाता है उस भाषा को हम कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। ये चार प्रकार की होती है। पहला होता है निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा की विशेषताएं होती है कि वह निम्न स्तरीय भाषा कठिन होता है, दूसरी भाषा है, इस भाषा की दूसरी विशेषता है कि मानव के समझने में इसमें कठिनाई आती है। और तीसरी विशेषता है कि जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो मशीनी भाषा होती है। तो ये तीन विशेषताएं हैं कंप्यूटर की भाषा की। पहला जो टॉपिक है निम्न स्तरीय भाषा की, कि वह कठिन होता है, दूसरा भाषा को समझने में मानव को कठिनाई होती है, और तीसरा है जो भाषा उपयोग करता है वो मशीनी भाषा होती है। इसका दूसरा टॉपिक है, दूसरी भाषा है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा जो है न्यूमेरिक भाषा होती है। पहला इसका विशेषता है भाषा न्यूमेरिक होती है, जो संकेत वगैरह रहते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, तो न्यूमेरिक भाषा होती है। दूसरा भाषा कठिन होती है, दूसरी विशेषता है कि भाषा कठिन होती है लेकिन मशीनी भाषा से ये थोड़ी सरल होती है, किंतु सरल होती है। तो ये दो विशेषताएं आपकी असेंबली भाषा की है। तीसरी भाषा है उच्च स्तरीय भाषा। तीसरा बिंदु है उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा की जो विशेषताएं हैं, ये उपयोगकर्ता जो है उसके समझने में आसान होता है, उसके समझने लायक होता है। तो पहला हो जाएगा उपयोगकर्ता के समझने लायक होता है। दूसरा पॉइंट है इसका निम्न स्तर। सबसे पहले इसको कंप्यूटर निम्न स्तर की भाषा में बदलता है, उसके बाद वो उच्च स्तरीय भाषा समझता है। निम्न स्तरीय भाषा में उसको परिवर्तित करता है। तीसरा पॉइंट है इसका उपभोक्ता के समझने लायक भाषा। अधिकतर हम अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, तो उस पर इसके प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जाते हैं।
जैसे जैसे यदि इसके उदाहरण देखते हैं तो बेसिक हो जाता है। उदाहरण यदि इसी का हम देखें तो बेसिक एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है जो उच्च स्तरीय भाषा में बनाए जाते हैं। सी है, कोबोल, पास्कल और फोटोन। ये उच्च स्तरीय भाषा में बनाए गए प्रोग्राम्स होते हैं। चौथा बिंदु है इसका चौथा बिंदु है चौथी पीढ़ी की भाषा। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता में चौथी पीढ़ी की जो भाषा है वो तीसरी पीढ़ी की भाषा से सरल है। तीसरी भाषा की पीढ़ी से सरल है। दूसरा इसका है प्रोग्राम की जो गति होती है वो अधिक होती है। प्रोग्राम की गति जो है अन्य जो भाषा है उससे अधिक होती है। तीसरा जो इसका है भाषा कार्य करने की विधि पर आधारित होता है। भाषा का जो निर्माण होता है वह कार्य करने की विधि पर आधारित होता है। चौथा पॉइंट है भाषा का जो उपयोग है, चौथी पीढ़ी की भाषा का उपयोग अधिकतर उपयोग हम व्यापारिक केंद्रों पर या ऑफिसों पे कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है इसका भाषा में विशेष गुण के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। कुछ विशेष गुण लिए प्रोग्राम इसमें बनाए जाते हैं, जैसा उदाहरण के लिए हम देखें सी प्लस प्लस, के एल आई और आरपीजी और आपका स्मॉल टॉक और SQL। ये इस प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं जिनके लिए विशेष भाषा का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो ये था आपका कंप्यूटर की भाषा, चार प्रकार की है। पहला निम्न स्तरीय भाषा है, दूसरा असेंबली भाषा, तीसरा उच्च स्तरीय भाषा और ये चौथा था आपका चौथी पीढ़ी की भाषा है, जिसकी हम की विशेषताएं हमने यहाँ पर देखी है। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है नई तकनीक। नई तकनीक से समझ आ रहा है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी आज के दौर पे चल रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब एडवांस टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या देखते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, ऑनलाइन जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो उसी पर हम आगे चलते हैं, जैसे नई तकनीक है तो नई तकनीक के अंतर्गत हम देखते हैं इंटरनेट।
मल्टीमीडिया, ये दो मुख्य हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट को हम कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, मतलब ये विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में समान रूप से व्यापक रूप से ये उपलब्ध होता है। इंटरनेट के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, बहुत ही तीव्र गति में हमारे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। हम रूबरू मतलब फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं, वीडियो हो गए और भी बहुत सारे जो है उन सब का यहाँ पर हम उपयोग इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन उपकरणों की आवश्यकता जिस पर इंटरनेट कार्य कर सके। तो सबसे पहला है मॉडेम चाहिए, मॉडेम की आवश्यकता होती है हमको, पहला। दूसरा टेलीफोन लाइन की आवश्यकता पड़ती है, टेलीफोन लाइन के साथ ही साथ हमको इंटरनेट लाइन की आवश्यकता भी पड़ती है। इंटरनेट लाइन की आवश्यकता पड़ती है और तकरीबन 486 या उससे उच्च प्रोसेसर वाला कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। इन उपकरणों के माध्यम से हम इंटरनेट पर कार्य कर पाते हैं और जितने भी हमको वहाँ पर उसकी विशेषताएं हैं और कार्यप्रणाली से अवगत हो पाते हैं। दूसरी बात है नई तकनीक के अंतर्गत मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंतर्गत जितने भी ग्राफिक्स, रेखांकन वाले, चित्र वाले, वीडियो, ये जितने इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म होते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है वो मल्टीमीडिया होता है। बहुत सारे फंक्शंस इसमें आयोजित होते हैं उस प्रकार के, इसके लिए भी हमको एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जिस पर ये मल्टीमीडिया काम कर सके। तो उसकी विशेषताओं में हम सबसे पहले देखते हैं हमको पेंटियम टू या फिर 600 मेगाहर्ट्ज का सेलेरॉन कंप्यूटर की आवश्यकता, यहाँ पर हमको प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है। इसका दूसरा पॉइंट है इस पर जो रोम की स्थिति होती है, राम की स्थिति, वो 128 MB का इसमें राम होना चाहिए। मेमोरी पावर कितनी होनी चाहिए इसकी, 128 MB की। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये काम करता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक कार्य करता है। सीडी रोम की आवश्यकता पड़ती है इसमें। साउंड कार्ड होना चाहिए। और स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। ये छह उपकरण इस प्रकार होते हैं जिसके प्लेटफॉर्म पर ही मल्टीमीडिया हम चला पाते हैं और विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स के, रेखांकन के और वीडियो वगैरह बनाने के जितने भी हमारे कार्य होते हैं इस मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म पर होते हैं। तो ये नई तकनीक के अंतर्गत है इंटरनेट और मल्टीमीडिया, जो कि महत्वपूर्ण है आज के जनरेशन के हिसाब से, जिनका उपयोग हम कंप्यूटर में नई तकनीक के रूप में करते हैं। अब आते हैं हम कंप्यूटर के इतिहास की ओर।
कंप्यूटर का इतिहास, हम जिसके विषय में यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, उसका इतिहास देखना भी जरूरी है कि वह कहाँ से चालू हुआ। कंप्यूटर ऐसे तो 5000 ईसा पूर्व से ये हमारे बीच ही आया। सबसे पहला जो उपकरण था वो था एबेकस। नाम से हम अनभिज्ञ हैं लेकिन अधिकतर हमने इसका उपयोग किया है। यदि आप ध्यान देंगे तो एबेकस हम किसे कहें, आप ध्यान दिए होंगे तो एक चौक आयताकार एक पट्टी होती थी जिस पे एक तरफ स्लेट बना होता था और दूसरी तरफ स्ट्रिप लगे रहते थे इस प्रकार से स्ट्रिंग्स, जिसपे छोटी छोटी रंग बिरंगी गोटियाँ होती थी जिसको हम गिनती के लिए छोटे छोटे बच्चे उपयोग में लाते थे। ये पहला कंप्यूटर था जिसको नाम दिया गया था एबेकस का। 1962 में पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं हम। 1962 में ब्लेक पास्कल हुए, उन्होंने एक व्हील कैलकुलेटर का निर्माण किया था जिसको हमने पास्कलाइन नाम दिया था। 1962 में ब्लेज पास्कल इन्होंने व्हील कैलकुलेटर बनाया था। जिसको इन्होंने नाम दिया था पास्कलाइन का। उसके पश्चात जॉन नेपियर ने 1617 में लघुगणक विधि का निर्माण किया था। और दूसरा था इनका नेपियर की हड्डी, एक यंत्र बनाया था इन्होंने जिसको नाम दिया गया था नेपियर की हड्डी। 1617 की बात है ये। उसके पश्चात विलियम ऑट्रेड ने 1620 में स्लाइड विद रूल का निर्माण किया था। 1620 में विलियम ऑट्रेड ने स्लाइड रूल का निर्माण किया था। जर्मनी वैज्ञानिक वीबी लिवनीज ने 1671 में एक दांतों वाली पहिया का निर्माण किया था। ये सब कंप्यूटर का इतिहास है जो 5000 ईसा पूर्व से जो प्रारंभ हुआ था उस पर धीरे धीरे विकसित करते गए। विकसित करने के बाद सबसे पहले ब्लेक पास्कल, फिर जॉन नेपियर, फिर विलियम आउटरेड, उसके बाद इनके बाद आते हैं जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने 1631 में, ये जर्मन वैज्ञानिक है वीवी लिवनीज, दांतों वाले पहिया का निर्माण किया था। दांतों वाले पहिया का निर्माण किया था 1671 में जर्मन वैज्ञानिक ने। इंग्लैंड के गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1822 में इंग्लैंड के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन का निर्माण किया। और यही एक जो दौर था जिसके लिए हमने कंप्यूटर के लिए चार्ल्स बेबेज को उसका आविष्कारक माना। इन्होंने डिफरेंशियल इंजन का निर्माण किया और चार्ल्स बेबेज को ही हम आज के युग का कंप्यूटर का जनक मानते हैं। और वह जो डिफरेंशियल इंजन इन्होंने बनाया वो आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो ये कंप्यूटर का इतिहास था, हमने देखा 1822 एक स्वर्णिम युग था साइंस के लिए, जहाँ कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंशियल इंजन का निर्माण किया गया, जो आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करने वाला था। आइए अब जनरेशन के हिसाब से हम देखते हैं कंप्यूटर को, इतिहास को। इसमें पहला जनरेशन प्रथम जनरेशन जो कि 1940 से 1954 के बीच था, इसमें निर्वात बल्ब का उपयोग किया गया है। सेकेंड विशेषता है, दूसरी विशेषता इसकी है, निर्वात बल्ब का उपयोग किया गया, बाइनरी सिस्टम जिसको हम शून्य और एक से जानते हैं द्विआधारी प्रणाली पर आधारित था, और मशीनरी भाषा का इसमें उपयोग किया गया है। प्रथम जनरेशन में जिस भाषा का उपयोग किया गया वो मशीनी भाषा थी। ये मुख्य विशेषताएं थी। अब उस प्रथम जनरेशन का यदि हम उदाहरण देखें तो उदाहरण के रूप में हमको मिलता है मार्क 3 और इनिका और यूनिवेक। ये तीन उपकरण जो है प्रथम जनरेशन के उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। अब देखते हैं द्वितीय जनरेशन को। दूसरा है द्वितीय जनरेशन में हम 1955 से लेकर 1964 के बीच में जो कंप्यूटर्स बने उसको हम द्वितीय जनरेशन में डालते हैं। सन 1955 से 1964 तक के जो कंप्यूटर्स का आविष्कार हुए बने उसको हम द्वितीय जनरेशन में डालते हैं। इनकी विशेषताओं में हम देखते हैं इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। तीसरा, इसमें कंप्यूटर की आकृति थोड़ी छोटी हो गई। पहले जनरेशन में जो आकृति थी बड़ी थी, उससे थोड़ी ये छोटी हो गई। उच्च स्तरीय भाषा फोटान का यहाँ पर द्वितीय जनरेशन में उपयोग किए जाने लगा। इसकी उदाहरण यदि हम देखें दूसरे जनरेशन के तो IBM 1620, CDC 1604, RCA 501 और यूनिवेक 1108। ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। इन्हें हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के रूप में पहचानते हैं। इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन।
तीसरी जनरेशन में देखिए, तीसरी जनरेशन में 1965 से 1974 के बीच में बने कंप्यूटर्स। सन 1965 से सन 1974 के बीच के जो कंप्यूटर्स हैं वो तीसरी जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। इनमें विशेषताओं में देखते हैं, इसमें आईसी, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा। इसमें कार्य क्षमता और अच्छी हो गई पहले जनरेशन और दूसरे जनरेशन से, अधिक कार्य क्षमता तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर में आने लगी। कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। इसके उदाहरण से यदि हम देखें तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर्स में, तो वो हमको मिलते हैं आईसीएल 1900 सीरीज के कंप्यूटर्स और सीडीसी 1700 सीरीज के और पीडीपी 11/45 सीरीज। ये कंप्यूटर्स जो है वो तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर्स के रूप में जाने जाते हैं। इसके पश्चात है चौथा जनरेशन, चतुर्थ जनरेशन, चतुर्थ जनरेशन। चतुर्थ जनरेशन 1975 से चालू होता है और 1984 तक। से 84 के बीच में जितने भी कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया वो चतुर्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं। चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, तीसरे में हमने आईसी का उपयोग किया था, अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर्स का उपयोग किया जाने लगा। और कंप्यूटर सस्ते होने लगे और आकार में तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर से और भी छोटे होने लगे। चौथा पॉइंट है इसका, सिलिकॉन चिप का इसमें उपयोग किया जाने लगा। और इसके यदि उदाहरण देखें किस प्रकार कौन कौन से कंप्यूटर जो है वो चतुर्थ श्रेणी के थे, तो इंटेल 4004, एप्पल सीरीज, एप्पल के जो कंप्यूटर्स आने लगे वो, ये सब चतुर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। इसमें एक और बात थी कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक का यहाँ पर उपयोग किया जाने लगा था। उपयोग किए जाने लगा था। तो ये चतुर्थ जनरेशन की बात है जो कि ये 6 गुणों से परिपूर्ण था। आगे देखते हैं पंचम जनरेशन को, पांचवें जनरेशन को। पंचम जनरेशन, पांचवा जनरेशन जो है 19वीं शताब्दी से के बाद 90 दशक से प्रारंभ होता है।
इसमें मुख्य बात थी कि सुपर कंप्यूटर्स आ गए। सुपर कंप्यूटर्स मतलब है कि जो असंख्य गणनाओं को बहुत ही कम समय में पूरा करता है। दूसरा, सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाने लगा था, डाटा विश्लेषण क्षमता जो है वो बढ़ गई थी। भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर्स का नाम है परम। भारत के द्वारा निर्मित परम नाम का सुपर कंप्यूटर है। तो ये पांचवें दशक का पंचम जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, जो कि 9वीं दशक के बाद से प्रारंभ हुए, उनकी विशेषताएं थी। अब जब विभिन्न पीढ़ियों में जो कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया है, हम उनके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। विभिन्न पीढ़ियों के कंप्यूटर्स के अंतर्गत पहला पीढ़ी में देखते हैं। सबसे पहले आया था इनिका, जिसका निर्माण 1946 में किया गया। इसके पश्चात आया EDSAC, इसका निर्माण 1949 में किया गया। उसके बाद आया था IAS, इसका निर्माण 1992 में किया गया। ये पहले जनरेशन्स के हैं। दूसरे जनरेशन्स भी आ जाते हैं। दूसरे जनरेशन में आता है IBM 1401, फिर HEC 2M, उसके बाद आता है UNIVAC फर्स्ट, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तीसरे जनरेशन में आप हम आते हैं तो हमको मिलता है Mac 3, उसके पश्चात IBM 370, उसके पश्चात ICL, इसका सीरीज होता है 2900। चौथे सीरीज पे आते हैं, जब चौथे जनरेशन पे इसके कंप्यूटर्स हमको मिलते हैं IBM 360, और एप्पल सीरीज आता है, और उसके पश्चात डेम। पांचवी सीरीज पे आ जाते हैं जब हम, तो हमको मिलता है इंटेल 4004, फिर सेंस, उसके बाद आता है सेप्टेम। ये विभिन्न जनरेशन में निर्माण की गई कंप्यूटर्स की सूची है। अलग अलग जनरेशन में हमने निम्न प्रकार के कंप्यूटर्स का निर्माण किया था। तो आज हमने देखा कंप्यूटर की भाषा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, और अलग अलग जनरेशन्स में किस प्रकार के कंप्यूटर्स की उपलब्धियां रही है, उनकी विशेषताएं क्या थी, उनके गुण क्या थे, और किन किन कंप्यूटर्स का निर्माण उन जनरेशन्स में किया गया है। ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय था, जिसके अंतर्गत हमने नई तकनीक के बारे में पढ़ा। इंटरनेट विश्वव्यापी है, और दूसरा हमने मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ा, जो आज की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में है, जिस पे हम आज काम कर रहे हैं। तो यह है आपका सूचना प्रौद्योगिकी। आपने इसमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।